हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से चैप्टर लिया है हमने सर्कल। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का फिगर बनाया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आपके सामने है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पीटी एंड पीएस आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। बिल्कुल ठीक है कि दो टेंजेंट डाले गए हैं पॉइंट पी से और सर्कल का सेंटर ओ है। सच दैट एंगल SPT 120 डिग्री। तो मैं इस नाम डाल लेता हूं इनको एंगल 102। और गिवन कह रहा है हमसे कि ये जो 1+2 है ये आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है कि एसपीटी एंगल है 120 डिग्री। प्रूव दैट, ओके, कुछ प्रूफ करके दिखाना है। तो टू प्रूफ, और प्रूफ करना है इसमें आपको ओपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीएस। OP is equal to twice of PS. चल देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये टोटल एंगल आपको 120 डिग्री दिया है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 1 और एंगल 2 बराबर प्रूफ कर दूं, क्योंकि ये पूरा एंगल आपके पास 120 है और अगर 1 और 2 बराबर हो जाता है तो एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। बस वही है सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रूफ। अब प्रूफ के लिए पहले दोनों ट्राइंगलों के नाम देते हैं। PTO, याद रखिएगा इस T पर एक राइट एंगल है, PSO इस S पर भी राइट एंगल है, और नाम भी डाल देते हैं। रीजन दूंगा प्रॉपरली कि क्यों मैं राइट एंगल यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहले ट्राइंगल का नाम लेते हैं कि इन ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल PSO, ट्राइंगल PSO। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कोई तीन चीजें चाहिए, ठीक है, जिससे कोई प्रॉपर्टी लगा पाओ। तो चेक करो, एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, ईच 90 लिख दिया। लेकिन ईच 90 का रीजन क्या है, ऐसे डायरेक्टली ईच 90 तो नहीं लिख सकते। तो रीजन है, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर कोई लाइन आएगी, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा राइट एंगल बनाएगी, सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से चेक करते हैं क्या OS और OT बराबर है। OS इज इक्वल टू OT, जरा चेक करिए क्या दोनों के दोनों रेडियस तो नहीं है। हाँ बिल्कुल रेडियस ही है, तो कह सकते हैं कि OT इज इक्वल टू OS। चेक कर लीजिए, OT और OS दोनों के दोनों रेडियस है। और तीसरा चीज देखो, PS और PT क्या ये दोनों बराबर है। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। कि एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों की दूरी बराबर होती है। तो रीजन क्या डालेंगे यहां पर, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब तीन चीजें मिल गई, लेकिन एक ट्राइंगल में इन तीन चीजों का ऑर्डर क्या बन रहा है उसी हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो मैंने देखो ये साइड ली है, ये एंगल लिया है, ये साइड ली है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल PTO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSO। रीजन क्या डालेंगे, SAS फिर बताएता हूं, साइड ली है, एंगल लिया है, साइड ली है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 2। और रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। अब यही मुझे चाहिए था कि मैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कर दूं। तो चेक करो, ये 1+2 हमें टोटल दिया कितना है, 1+2 हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। अब मैं या तो दोनों को 1 लिख दूं या दोनों को 2 लिख दूं। तो चलिए दोनों को 2 लिख देता हूं, लिख तो दोनों को 1 भी सकते हैं, इज इक्वल टू 120। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 120, और एंगल 2 कितना हो गया, 120/2 60 डिग्री। तो 1 भी आपका 60 हो गया, 2 भी आपका 60 हो गया। अब चेक करो ध्यान से, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, बस यही मेरा कंसेप्ट था। अब आंसर मेरा आने वाला है, जरा ध्यान से ट्राइंगल देखो PSO। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाए कि मैं एक्चुअल में फिगर में करने क्या वाला हूं। ठीक है, तो PSO, ये मेरा P, ये मेरा S, ये मेरा O, ये एंगल 2 वो 60 डिग्री है, ये एंगल 4 राइट एंगल, और ये आपका O। अब ध्यान से देखो आंसर में क्या चाहिए, OP और PS, OP
और PS मतलब दोनों साइड मेरे ट्राइंगल में मौजूद है, ठीक है, और मुझे ये एंगल 60 डिग्री भी पता है। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ठीक है। जो भी एंगल आपको पता होता है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आंसर की बात करें तो आपको ओपी और पीएस के बीच में रिलेशन चाहिए। ओपी आपकी हाइपोटेन्यूज है, पीएस आपकी बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेस और हाइपोटेन्यूज से जुड़ा कोई रिलेशन पता है? हाँ बिल्कुल पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो बस वही लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल पीएसओ, यहां देख लो पीएसओ, पीएसओ बेस पीएस, बेस पीएस अपॉन हाइपोटेन्यूज पीओ, अपॉन हाइपोटेन्यूज पीओ इज इक्वल टू कॉस थीटा। और थीटा कितना लिया है हमने, थीटा लिया है हमने 60 डिग्री। ये कंसेप्ट था जो हमें यहां लगाना था, ठीक है। अब पीएस को पीएस रहने दो, पीओ को पीओ रहने दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ पीएस इज इक्वल टू पीओ, और चेक कर लीजिए कहीं यही आंसर तो नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल यही आंसर चाहिए। एक शानदार क्वेश्चन था, छोटा सा सॉल्यूशन था, लेकिन आपने सर्कल चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, बस इसी का कंसेप्ट आपको सीखना था। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।